नमस्कार दोस्तों, आईपीओ के इंट्रोडक्शन में मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इटॉक की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग आईपीओ रिलेटेड कुछ जानकारी लेंगे। अगर आप लोग ये जानना चाहते हो आईपीओ क्या होता है, करंट आईपीओ कौन से चल रहे हैं, ये मैं कैसे जानूं भविष्य में कौन से आईपीओ आने वाले हैं, दोस्तों मैं कैसे जानूं कौन से अच्छे आईपीओ कौन से बुरे आईपीओ, मुझे आईपीओ की इन्वेस्टिंग को मास्टर करना है, मुझे जानना है एलोटमेंट स्टेटस मेरे आईपीओ के क्या है, तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम इन सारी चीजों की जानकारी लेंगे। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, व्हाट इज आईपीओ। दोस्तों, आईपीओ जिसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये प्रोसेस है जहां पे कि प्राइवेट कॉरपोरेशन अपने इक्विटी शेयर्स को पब्लिक को देती है। दोस्तों, इस इक्विटी शेयर के जरिए, इन आईपीओ के जरिए कॉरपोरेशन फंड रेज करती है। हो सकता है ये फंड कॉरपोरेशन के प्रमोटर के पास भी जाए जिन्होंने बरसों से निवेश करके रखे, ये भी हो सकता है कि ये जो फंड है ये कॉरपोरेशन के पास जाए अगर शेयर कॉरपोरेशन नए आप लोगों को दे रहा है। तो इन शॉर्ट पब्लिक के लिए क्या है दोस्तों, पब्लिक को एक अपॉर्चुनिटी होती है कि एक कंपनी जो बिजनेस कर रही है वो अपने शेयर्स ऑफर कर रही है, अगर कंपनी का ग्रोथ होगा तो वो जो लोग निवेश करेंगे उन्हें फायदा हो सकता है। तो ये है दोस्तों आईपीओ, जहां पे कॉरपोरेशंस फंड रेज पब्लिक के द्वारा करती है। तो दोस्तों, आईपीओ को प्राइमरी मार्केट का एक पार्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों प्राइमरी मार्केट क्या है, दोस्तों प्राइमरी मार्केट कैपिटल मार्केट का एक पार्ट है जहां पे कि इन्वेस्टर्स को शेयर्स दिए जाते हैं, जहां पे पहले कभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ट्रेड उन शेयर्स में नहीं हुआ होता है। फिजिकल ट्रेड जरूर हुए हो सकते हैं, शेयर्स बाय और सेल ऑफ द प्लेटफॉर्म जरूर हुए होते हैं, लेकिन ऑन द एक्सचेंज प्लेटफॉर्म नहीं हुए होते हैं। दोस्तों, आईपीओ के जरिए कंपनी प्राइमरी मार्केट के जरिए कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है और फिर शुरू होती है सेकेंडरी मार्केट की कहानी। दोस्तों, इसीलिए सेकेंडरी मार्केट को आफ्टर मार्केट या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग भी कहा जाता है। दोस्तों, सेकेंडरी मार्केट में आने के बाद आपकी कंपनी के जो शेयर्स है या बॉन्ड्स है वो ट्रेडेबल हो जाते हैं प्लेटफॉर्म्स पे, एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म्स पे। ये भी हो सकता है कि ये इक्विटी शेयर्स जो है उन्हीं में ऑप्शंस और फ्यूचर यानी कि डेरिवेटिव्स भी प्रोवाइड की जाए, तो जो निवेशक डेरिवेटिव में भी ट्रेड करना चाहते हो वो भी अब इन कंपनियों में कर सकते हैं। तो दोस्तों, सीधी भाषा में बोले, प्री आईपीओ प्राइमरी मार्केट, पोस्ट आईपीओ सेकेंडरी मार्केट। तो दोस्तों, आईपीओ के जरिए आपकी कंपनी सेकेंडरी मार्केट में एंट्री लेती है। दोस्तों, अगर हम ये जानना चाहते हैं पूरी हिस्ट्री कब कितने आईपीओ आए, तो दोस्तों यहाँ एक जनरल डिटेल दी गई है कि जैसे 2017 में 89 आईपीओ आए। अब ये जो आईपीओ होंगे ये एसएमई के भी हो सकते हैं दोस्तों, मेन बोर्ड के भी हो सकते हैं, उसी प्रकार से अलग अलग साल में अलग अलग आईपीओ आए। अब ये भी एक जनरल सी बात होती है कि जब बाजार तेजी में होता है तो ज्यादा कंपनियां आती है, राइट। 2020 में आपने लोएस्ट कंपनियां देखी और इस साल अब तक 58 कंपनीज दोस्तों आ चुकी है। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हो आप ये जानकारी कैसे ले, कैसे आप पूरी हिस्ट्री जान पाओ, तो दोस्तों ये आप अपने आप भी कर सकते हो। कैसे आईपीओ की जानकारी हम कहां से ले, तो दोस्तों ये है बीएससी इंडिया का वेबसाइट, जहां पे पब्लिक इश्यूज पे मैंने क्लिक किया। पब्लिक इशू को क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हो यहां पे पब्लिक इश्यूज की जानकारी दी गई है। तो ये 2021 में आईपीओ थे,
2020 में कौन से आईपीओ थे। अब मैं अगर इसे क्लिक करूंगा, जैसे 2020 में 31 आईपीओ आए, ये कौन से थे, तो ये सब जानकारी भी मैं पा सकता हूँ। कितना करंट प्राइस है, गेन में है कि लॉस में है, सारी जानकारी। दोस्तों, अगर आप करंट आईपीओ के बारे में जानना चाहते हो कि अभी कौन से आईपीओ एक्टिव है, तो ये भी बिल्कुल आसान है दोस्तों। दोस्तों, करंट आईपीओ कौन से चल रहे हैं ये जानना बहुत ही आसान है। ये मैं बीएस इंडिया की साइट पे हूँ, कॉर्पोरेट्स पे क्लिक किया, ये सब ऑफर हमारे सामने है। तो मेरे सामने है कि डेप्थ इशू कौन लेके आए हैं, मुथूट फिनकॉर्प का एक डेप्थ इशू आया हुआ है। ये इक्विटी ऑफर नहीं है, डेप्ट ऑफर है, जहां पे हमें फिक्स रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है। इसी प्रकार से अगर इक्विटी होते हैं तो इक्विटी की भी डिटेल यहाँ पे दी जाती है, जैसे यहाँ पे राइट इश्यूज है तो राइट इश्यू की जानकारी दी गई है। दोस्तों, उसके साथ ही अगर आप ये जानना चाहते हो कि कौन से आईपीओ बढ़िया है, कौन से आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए, ये भी दोस्तों जानकारी हम लोग जरूर आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कौन से आईपीओ वेल्थ क्रिएटर है, कौन से बढ़िया है और कौन से एवरेज है, तो ये जानने के लिए हमने प्रॉफिट फ्रॉम इट का जो हमारा वेबसाइट है, प्रॉफिट फ्रॉम इट डॉट इन, उस पे एक आईपीओ का पेज हमने बनाया हुआ है। ये आईपीओ के पेज पे आप जाके, जैसे इसको मैं डाउन स्क्रोल कर रहा हूँ प्रॉफिट फ्रॉम इट की साइट पे, तो जहां मुझे मिलेगा आईपीओ, दिस इज आईपीओ पेज, मैं आईपीओ को अगर क्लिक करूंगा, आईपीओ पेज पे लैंड करूंगा और यहाँ पे लाइव और अपकमिंग आईपीओ, जैसे भी आदित्य बिरला सनलाइफ का आईपीओ जस्ट अभी आया हुआ है, तो मैं उसकी जानकारी पा सकता हूँ जो हमने अपडेट की हुई है। दोस्तों, तो भारती एयरटेल का राइट इश्यू है, कैसे उसका फायदा उठाया जाए। अभी पारस डिफेंस का आईपीओ गया था, तो अलग अलग आईपीओ की डिटेल दी जाती है, इवन अपकमिंग और पास्ट आईपीओ की भी डिटेल दी होती है, जैसे पास्ट आईपीओ जितने थे उनकी भी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। ताकि कोई पुरानी आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हो। इसी के साथ दोस्तों, अपकमिंग आईपीओ, पास्ट आईपीओ, ये सारी इंफॉर्मेशन हम आईपीओ पेज से दोस्तों पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप खुद सीखना चाहते हो, यू वॉन्ट टू मास्टर द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, तो ये भी दोस्तों बिल्कुल आसान है। दोस्तों, अगर आप लोग ये सीखना चाहते हो, आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग जानना चाहते हो, किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहते हो, तो दोस्तों आप खुद भी ये सारी चीजें लर्न कर सकते हो कि कैसे वेल्थ क्रिएटर आईपीओ ढूंढे, कैसे ऐसी अच्छी कंपनी में निवेश करें और आने वाले 10-12 सालों में आप देखो कि वो कंपनी बहुत बड़ी हो जाए और आपको जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करके दे। दोस्तों, ये सीखना अगर आप चाहते हो तो वही पेज को डाउन स्क्रोल करके बिल्कुल एंड पे जब आप जाओगे तो आप देखोगे लर्निंग द आर्ट्स ऑफ इन्वेस्टिंग आईपीओ डिवाइडेड इन 4 डिफरेंट पार्ट्स। मेरे हिसाब से दोस्तों, अगर आप इन वीडियोस को देखोगे और इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे तो आपको काफी डिटेल्ड रिसर्च पता चल जाएगा और आप अलग अलग आईपीओ का रिसर्च अपने आप दोस्तों कर पाओगे। इससे दोस्तों आपकी डिपेंडेंसी कोई भी व्यक्ति पे बिल्कुल निकल जाएगी। अब दोस्तों, इसके साथ ही आखिरी चीज, क्या आप ये जानना चाहते हो कि शेयर आपको अलॉट हुए हैं कि नहीं, तो ये भी दोस्तों जानना बहुत आसान है। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये आईपीओ आपको लगे कि नहीं है, यानी अलॉटमेंट स्टेटस जानना चाहते हो, मैं अगेन यहाँ पे बीएससी के मेन पेज पे हूं, इन्वेस्टर्स क्लिक कीजिए। इन्वेस्टर्स क्लिक करने के बाद इन्वेस्टर्स सर्विसेज पे जाइए, जहां पे आपको अलग अलग टैब दिखेंगे, स्टेटस ऑफ इश्यू एप्लीकेशन क्लिक करना है। आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन स्टेटस चेक, मैंने उसे क्लिक किया और मैं सीधा आ गया स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर। अब अगर इक्विटी है या डेप्ट है मुझे क्लिक करना है, अगर इक्विटी तो इक्विटी, इक्विटी क्लिक करने पर जो रिसेंट इक्विटीज आईपीओ है, जैसे
जैसे यहाँ पे है आदित्य बिरला, मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ। मुझे मेरा एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे फीड करना है, पान नंबर डालना है, आई एम नॉट अ रोबोट, क्लिक किया, सर्च करेंगे, सीधा यहाँ पे डिटेल्स और स्टेटस आ जाएगा कि आदित्य बिरला जो मैंने अप्लाई किए थे मुझे लगे है कि नहीं। सेम थिंग, अगर आपको लगता है ये प्रोसेस लंबा है, तो जो आप अपनी प्रॉफिट फ्रॉम इट की साइट पे जाते हो, यहाँ पे आईपीओ पे चले जाइए और आईपीओ सेशन में हमने सबसे पहली चीज दोस्तों स्टेटस ऑफ इशू एप्लीकेशन की लिंक दी हुई है। जस्ट क्लिक ऑन दिस एप्लीकेशन, अपनी यही वो आपको रिडायरेक्ट करेगा वही पेज पे। जस्ट दोस्तों आपका एप्लीकेशन नंबर और पान नंबर डालोगे, स्टेटस आपके सामने होगा। इसी प्रकार से दोस्तों आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हो, जो बहुत ही आसान है। सो दोस्तों इसके साथ अभी भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, आप हमारी टीम, टोल फ्री नंबर दिया गया है, आप उन तक पहुंच सकते हो। मुझे उम्मीद है कुछ नया सीखे होंगे। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर बैच 28 तारीख से शुरू होगी, तो जो लोग सीखना चाहते हैं मैजिक ऑफ वेल्थ क्रिएशन थ्रू स्टॉक मार्केट, तो 4 महीने का ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल लर्निंग का जो कोर्स है, जो हमें बिगिनर से प्रोफेशनल तक ले जा सकता है, लिमिटेड सीट्स आर लेफ्ट नाउ। 28 अक्टूबर से ये बैच शुरू हो जाएगी। यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ, और इसके लिए आप हमारी ऐप पे अक्टूबर बैच पे जा सकते हो या हमारी टीम तक पहुंच के जानकारी ले सकते हो। एंड यस फ्रेंड, नॉर्थ इंडिया स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली 2 साल बाद वापस हम लोग मिलने वाले हैं, 31 अक्टूबर संडे फुल डे एट होटल विसाया। तो हर बार की तरह देखो, पुराने स्टूडेंट को तो पता होगा टाइमिंग इज टाइमिंग, 9 o'clock से शुरू हो जाएगा प्रोग्राम इवनिंग 6 o'clock तक। तो फुल डे हम लोग बिताएंगे साथ, और 10x पोर्टफोलियो कैसे करना है उसके लिए पूरे पूरे कमिटेड हो जाएंगे, और हम हमारे चैलेंजेस को कैसे ओवरटेक करना है 10x पोर्टफोलियो के लिए, इस पे और जानकारी लेंगे।